अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद जीशान और आप देख रहे हैं अर्ज टीवी का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो आज हम जो है आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जिस वजह से मेरे भाइयों को पता लग सके कि दुबई के अंदर टैक्सी ड्राइवर की जॉब किस तरीके से है और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये दो तीन वीडियो बनाई हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर, तो नीचे जो है ना वो बड़े नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो, दूसरों को क्यों डीमोटिवेट कर रहे हो। अरे भाई देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को डीमोटिवेट या किसी को डिसहार्ट नहीं करना, ना ये कहना है कि मैं जनाब बहुत कमा रहा हूँ और मैं आपको कहूँ यार आप ना आओ इसमें या ये ऐसे है या वैसे है। तो मेरा भाई, मेरा इस चीज़ के ऊपर बात करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस तरह की वीडियोज़ बनाने से ये मुतल्लिक ये वजह ये होती है ताकि मैं अपने भाइयों को बता सकूं कि मेरे भाई अपने माइंड के अंदर ये सारी डिफ़िकल्टीज जो है ना आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि मेरे भाई जाके मुझे ये किस्म की डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस करने को मिल सकती हैं, कितना टाइम लग सकता है, किस तरीके से सर्वाइव करना होता है, जब गाड़ी मिलती है तो क्या मामला होते हैं, पेट्रोल के पैसों के क्या मामला होते हैं, सवारी के क्या मामला होते हैं, फ़ाइन के क्या मामला होते हैं, लो इनकम के क्या मामला होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जो है ना मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे भाइयों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मेरी वजह से अगर किसी मेरे भाई का फ़ायदा हो तो मेरे लिए यही बहुत है कि चलो यार कोई ये थोड़ा सा किसी को पता चले यार के जिशान की वजह से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। रिसेंटली मुझे एक मेट्रो टैक्सी का ड्राइवर है, ठीक है जी, वो मुझे मिला, मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिला। मुझे उसने पूछा जी आप हैं जो वीडियो बनाते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ही हूँ वीडियो बनाता हूँ। तो वो मुझे कहता यार अगर मैं आपकी वीडियो पहले देख लेता तो मैं कभी भी जो है ना मैं टैक्सी की फील्ड में ना आता, मगर ये हुआ है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखने शुरू किया, तो उसके बाद जो है ना आप वाकई ही सही कर रहे हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। तो मेरे भाई ये हर किसी के बस का काम नहीं है, ये मेरे भाई एक ने कमेंट भी किया हुआ था, तो मेरे भाई बस की बात अलग है, इसके अंदर इतनी सी डिफ़िकल्टीज, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं और अभी जो है वो कंपटीशन इतना सख्त हुआ हुआ है, ठीक है, कंपनीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, कि दुबई के अंदर फिल वक्त जो है ना वो पाँच 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 जो है ना वो टैक्सी की कंपनियाँ हैं। नंबर वन DTC, नंबर टू जो है वो नेशनल टैक्सी, नंबर थ्री अरेबिया टैक्सी, नंबर फोर जो है वो कार्स टैक्सी और नंबर पाँच जो है वो मेट्रो टैक्सी। तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों आपको आने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपने किस टैक्सी की फील्ड में जाना है, किस कंपनी में जाना है। आपको सब कंपनी से, कोई आपका रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, कोई यूट्यूब पे मेरी तरह वीडियो बना रहा है, तो उससे रابطہ करें, उसकी वीडियोस देखें कि यार किस टैक्सी कंपनी में किस तरह की सिचुएशन है। ठीक है जी, अभी जो है ना वो पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं कि RTA की तरफ से जो है वो मीटर भी स्लो हुआ हुआ है, ठीक है, मीटर स्लो होने से मरा दिया कि फेयर जो है वो कम हो गया है। बाकी चार कंपनीज ने जो है वो फेयर भी कम का अपना पेट्रोल चार्जेस भी कम कर दिए, मगर हमारी पांचवीं जो है मेट्रो टैक्सी अभी तक उन्होंने पेट्रोल के चार्जेस कम नहीं किए हैं। ठीक है जी, ये पेट्रोल के चार्जेस कैसे निकलते हैं, कैसे आपकी जो है वो सारी तफसील निकलती है, इस पर भी मैं जो है ना वो तफसील से वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।